इस भयानक गुलदार ने लगा दिया नाइट कर्फ्यू, अब लोग घरों में रहेंगे कैद। अब कोई भी घर से नहीं निकलेगा, गुलदार की दहशत ने मचा रखी है सनसनी। वन विभाग का सिस्टम हो गया फेल, गुलदार चुपके से कर जा रहा शिकार। प्रशासन अगर किसी इलाके में कर्फ्यू लगाता है तो फिर उसके पीछे की वजह होती है इलाके में कोई बड़ी घटना हुई है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल पौड़ी के इलाकों में, जहां की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब प्रशासन को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। हाल ऐसा हो गया है कि अब किसी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, स्कूलों को बंद करने के आदेश हो चुके हैं। शाम होते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। वन विभाग पिंजरे पर पिंजरे लगाया जा रहा है, मारने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन वो आदमखोर नजर नहीं आ रहा। ये दहशत है गुलदार की, जिसे इंसानी खून की लत लग चुकी है। वो इंसानों को निवाला बनाने के लिए दिन रात एक कर चुका है, तो वन विभाग और प्रशासन भी उसे ढूंढ रहा है, जिससे उसे मौत की नींद सुलाया जा सके। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई है, उस इलाके में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी सिर्फ प्रशासन और वन विभाग को छोड़कर कोई भी घर से नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह है कि गुलदार की दहशत अभी खत्म नहीं हुई, वरना सिर्फ एक गुलदार को लेकर यह पहरा क्यों किया जाता। यह आतंक कब थमेगा इसकी तारीख तो तय नहीं, लेकिन लोगों को घरों में रहने को कहा जा रहा है। अपील की जा रही है कि बच्चों को घर से ना निकलने दें। देखिए क्या से क्या हो गया कि उस इलाके में जिसकी हम बात करने वाले हैं। दरअसल उत्तराखंड में गुलदार की दहशत बनी हुई है, जिससे लोगों के लिए रात में ही नहीं दिन में भी डर बना हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल में नाइट कर्फ्यू और खिरसू ब्लॉक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। उधर पौड़ी जिले के आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश दिए गए हैं। यहां गुलदार अब तक दो मासूम बच्चों को निवाला बना चुका है। इन दिनों श्रीनगर गढ़वाल में गुलदार के डर से जिला प्रशासन ने श्रीनगर क्षेत्र सहित एक दर्जन गांव में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू 7 फरवरी से 9 फरवरी तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा खिरसू ब्लॉक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गुलदार की सक्रियता को देखते हुए डीएम पौड़ी के निर्देशों पर श्रीनगर क्षेत्र के साथ ही ग्राम श्रीकोट, ढिकवाल गांव, सरना, बुघानी, जलिता, भटोली, ग्वाड, रैतपुर, कोठगी, खिरसू में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू की अवधि के दौरान रात के समय आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। श्रीनगर और पौड़ी गढ़वाल में गुलदार अब तक दो बच्चों को निवाला बना चुका है। बीते 3 फरवरी को गुलदार ने ग्राम क्वाड पोस्ट खिरसू निवासी 11 साल के अंकित पर गौशाला के सामने खेलते हुए हमला कर दिया था। गुलदार के हमले से अंकित की मौत हो गई थी। 4 फरवरी को ग्लास हाउस रोड निवासी 4 साल के आयान अंसारी को गुलदार घर के आंगन से उठा ले गया था। बच्चे का शव घर से 20 किलोमीटर दूर झाड़ियों से बरामद किया गया था। उधर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव डॉक्टर समीर सिन्हा ने पौड़ी जिले के आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश दिए हैं। गुलदार ग्राम ग्वाड और ग्लास हाउस श्रीनगर में पिछले 2 दिनों में दो बच्चों को मार चुका है। प्रभागीय वन अधिकारी को दिया आदेश में कहा है, विशेष रूप से छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए चिन्हित गुलदार को अंतिम विकल्प के रूप में मारने के आदेश दिए गए हैं।